हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, समय की उड़ान पंछी के परों जैसी कभी तेज कभी धीरे से गुजर जाती है, जिसे थामने की कोशिश करें वो हाथ से निकल जाती है। दोस्तों, पंछी और समय ये दोनों ही कभी स्थिर नहीं रहते, ये दोनों हमेशा आगे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से पंछी अपने गीत पीछे छोड़कर चला जाता है, ठीक उसी तरह से बीतता हुआ हर पल हर समय अपने पीछे यादें छोड़कर चला जाता है। कुछ इसी तरह की खूबसूरत बातें आज हम सीखने वाले हैं सरोजिनी नायडू की द बर्ड ऑफ टाइम इस पोएम में। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं और इसका लाइन बाय लाइन मीनिंग जानते हैं। दोस्तों, पहली लाइन में सरोजिनी नायडू कहती है, ओ बर्ड ऑफ टाइम ऑन योर फ्रूटफुल बो व्हाट आर द सॉन्ग्स यू सिंग। तो पहले ही लाइन में सरोजिनी नायडू बर्ड ऑफ टाइम को, समय के पंछी को सवाल पूछती है और यहाँ पर वो एक इमेजरी क्रिएट करती है। आप यहाँ पर देख पाते हैं कि एक समय का पंछी एक फले फूले बागान में बैठा हुआ है और उस पंछी को कवित्री यहाँ पर सवाल पूछ रही है, व्हाट आर द सॉन्ग्स यू सिंग, तुम कौन से गाने गाते हो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर पंछी को एक फ्रूटफुल बो के साथ कंपेयर किया गया है। अक्सर जब हम समय के बारे में बात करते हैं तो समय के बारे में अक्सर नकारात्मकता के साथ बात की जाती है, तो यहाँ पर कवियत्री समय को नकारात्मकता के साथ नहीं ले रही, बल्कि वो कहते हैं कि फ्रूटफुल बो, वो समय को बहुत ही उपयोगी मानती है। दूसरी चीज यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं, वो पूछती है, व्हाट आर द सॉन्ग्स यू सिंग, तुम कौन से गाने गाते हो। तो यहाँ पर अब हमें इमेजरी को समझना है। इस कविता में जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स है समय के साथ आपके जीवन में बनी हुई घटनाओं से जो यादें उत्पन्न हुई है, जो मेमोरीज आपके साथ आई है, और दूसरी चीजें जो अनुभव आपने इस समय के साथ सीखे हैं। और यहाँ पे जो पंछी है, जो बर्ड है, वो बर्ड है खुद समय। तो यहाँ पर एक बार हम इन दो चीजों को समझ जाए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहते हैं, सॉन्ग्स ऑफ द ग्लोरी एंड ग्लैडनेस ऑफ लाइफ, ऑफ पर्जनेंट सोरो एंड पैशनेट स्ट्राइफ एंड द लिल्टिंग जॉय ऑफ द स्प्रिंग। तो अब यहाँ पर कवित्री खुद ही हमें आंसर देती है, खुद ही उत्तर देती है, और वो कहती है कि तुम कौन से गाने गा रहे हो। तो उसका आंसर क्या है, सॉन्ग्स ऑफ द ग्लोरी एंड ग्लैडनेस ऑफ लाइफ। जीवन में जो ग्लोरी आई हुई है, आपने जो कुछ भी अचीव किया है, जो आपने कमाया है, जो कुछ आपने अचीव किया है, उसकी ग्लोरी, जीवन में आनंद जो आपने पाया है। तो ये गीत क्या है, ये गीत है अनुभव, ये गीत है आपकी मेमोरीज, आपकी यादें। तो यादें कहाँ से आई है, आपके अचीवमेंट्स में से, जो आपकी ग्लोरी में से, आपके ग्लैडनेस, आपकी खुशियों के पलों में से, और पॉइग्नेंट सोरो एंड पैशनेट स्ट्राइफ। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आप अचीवमेंट करोगे, आप कुछ अच्छा पाओगे, कुछ आनंद पाओगे, तभी आपके जीवन में यादें आएंगी, नहीं। बल्कि जब आपके जीवन में सोरो आएगा, पॉइग्नेंट सोरो मतलब तेज या फिर तीव्र दुख आपके जीवन में आएगा, तब भी उसकी मेमोरीज आपके जीवन में रह जाएंगी। एंड पैशनेट स्ट्राइव, कभी तकरार होगी तो उसकी भी मेमोरीज, उसकी भी यादें आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। एंड द लिल्टिंग जॉय ऑफ द स्प्रिंग, और जिस तरह से स्प्रिंग के मौसम में आप बहुत खुश होते हैं, ठीक उसी तरह से हर मौसम की भी यादें, उसके अनुभव आपके जीवन के साथ जुड़ते जाते हैं। तो चलिए अब अगले स्ट्रांजा पर जाते हैं, of hope that sows for the years unborn। तो यहाँ पर क्या है, आपके जीवन में जो गीत आते हैं समय के साथ, वो किस तरह से आ सकते हैं, वो आ सकते हैं आपके आने वाले पलों को याद कर कर। आपके जीवन में जो आशाएं आती है, अब ये आशाएं आपके जीवन में आने वाले ईयर्स, आने वाले साल जो अभी आए नहीं है, अनबॉर्न, जो अभी जन्म भी नहीं लिए हैं, उन सालों की भी यादों की अब अपेक्षा करते हैं। एंड फेथ द ड्रीम्स ऑफ अ टेरिंग मॉर्न, एंड और आप विश्वास रखते हैं, समय पर आप विश्वास रखते हैं और आप सोचते हैं कि जो सपने अपने देखे हैं टेरिंग मॉर्न के, टेरिंग मॉर्न का मतलब होता है एक लंबी चलते जाने वाली सुबह, यानी सुखद आने वाले दिनों की उम्मीद, होप, और उस पर विश्वास आप रखते हैं, तो उसके भी गीत आपके जीवन में जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। पहले स्टांजा में पास्ट के बारे में बात की गई है,
आपके जीवन में तकरार सुख दुख के बारे में बात की गई है कि पहले क्या हुआ उसकी यादें तो होती ही है, साथ ही साथ दूसरे समय के साथ हमारे जीवन में आते हैं आने वाले भविष्य के बारे में आशा और उम्मीद, तो इससे भी हमारे जीवन में गीतों की तरह वो हमारे जीवन के अनुभव में जुड़ते जाते हैं। द फ्रेग्रेंट पीस ऑफ द ट्वाइलाइट्स ब्रीथ एंड द मिस्टिक साइलेंट दैट मेन कॉल डेथ। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ सरोजिनी नायडू लिखते हैं, द फ्रेग्रेंट पीस ऑफ द ट्वाइलाइट्स ब्रीथ, किसी दिन भर आप थक हार जाते हो, काम करते हो और थक हार कर आप शाम को पीसफुली शांति के साथ ट्वाइलाइट में रात के चंद्रमा के प्रकाश में आप बैठते हो, सुकून की चैन की सांस लेते हो और द मिस्टिक साइलेंस दैट मेन कॉल डेथ या फिर चीर शांति, यहां पर एक दिन की थकान के बाद आप थोड़ी सी शांति लेते हो, ठीक उसी तरह से पूरा जीवन भर आप कष्ट में बिताते हो और आखिर मर जाकर आपको एक मिस्टिक साइलेंस मिलता है, एक लंबा सा साइलेंस मिलता है जिसे मेन कहते हैं डेथ। तो इसके भी उम्मीद समय के साथ आपके जीवन में आती है। तो बर्ड ऑफ टाइम, समय का जो पंछी है वो आपको क्या क्या देता है, वो आपको सुखद अनुभव देता है, दुखद अनुभव की भी यादें दिलाता है, वो आपको किसी शाम को सुकून की चैन की नींद भी देता है और ये समय ही आपको एक लंबी चीर शांति देता है जिसे मृत्यु कहते हैं या फिर डेथ कहते हैं। अगले स्टांजा में कवियत्री फिर से एक बार इस समय के पंछी को पूछती है, ओ बर्ड ऑफ टाइम से वेयर डिड यू लर्न द चेंजिंग मेजर्स यू सिंग। अब वो पंछी को पूछ रही है कि तुमने कहां से सीखा कि ये समय जिस तरह से बदलता है उस तरह से गीत गाना, या फिर एक तरह से वो कहना चाहती है, वो हमें बताना चाहती है कि जो समय है वो हमेशा बदलता रहेगा, वो कभी स्थिर नहीं रहेगा। इन ब्लूमिंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग टाइड्स इन द हैप्पी लाफ्टर ऑफ न्यू मेड ब्राइड्स। अब ये जो जीवन में बदलाव आते हैं ये कहाँ कहाँ से आते हैं, इन ब्लूइंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग टाइड्स, किसी जंगल में तेज बहती हवाओं के साथ या फिर किसी समंदर में टूटती हुई लहरों के साथ। इन द हैप्पी लाफ्टर ऑफ न्यू मेड ब्राइड्स, जो नई नई शादी में दुल्हन आती है, जो नई नवेली दुल्हन रहती है उसकी हंसी के साथ भी यादें आती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक बात भी जाननी चाहिए कि समय के बदलाव के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। जो न्यू मेड ब्राइड है, जो नई नई दुल्हन है, हो सकता है वो शुरुआत में बहुत हंस रही है, बहुत खुशी हो रही है उसको, लेकिन क्या जीवन भर वो ऐसे हंसती रहेगी, क्या उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा? हम आशावादी, हम यही उम्मीद करेंगे वो हमेशा खुश रहे, लेकिन जीवन इस तरह से नहीं है, जीवन में सुख दुख आने वाला है। तो इसके बारे में भी वो हमें एक छोटी सी हिंट देकर जा रही है, एंड द नेस्ट ऑफ द न्यू बॉर्न स्प्रिंग, और जो नया नया मौसम आ रहा है उसके नेस्ट में भी, उसके घोंसलों में भी हमें ये बदलता हुआ मेजर हमें दिखाई देता है, बदलता हुआ समय की सूरत हमें वहां पर दिखाई देती है। आखिरी के स्टांजा में कवित्री कहती हैं, इन द डॉन दैट थ्रिल्स टू अ मदर्स प्रेयर एंड द नाइट दैट शेल्टर्स हार्ट्स डिस्पेयर। तो ये गीत कैसे कैसे बदलते जाते हैं, हमारे जीवन के अनुभव, गीत का अर्थ है हमारे जीवन के अनुभव, हमारी यादें किस तरह से बदलती जाती, किस तरह से नई नई यादें बनती जाती हैं। तो उनके बारे में कवियत्री कहते हैं, इन द डॉन दैट थ्रिल्स टू अ मदर्स प्रेयर, किसी सुबह जब एक माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उज्ज्वल कामना करती है, वो आशा लगाती है, वो उम्मीद करती है कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, सुखद हो, तो यहां से भी उसके जीवन में अनुभव आते हैं, या फिर ये कह सकते कि समय का एक पहलू हमें दिखाई देता है। एंड द नाइट दैट शेल्टर्स हार्ट्स डिस्पेयर, और वो रात जिसमें हम दुख या फिर गम का अनुभव करते हैं और वो रात हम गम में बिताते हैं, वो रात भी हमारे लिए एक अनुभव छोड़ जाती है, एक लंबे समय तक याद रहने वाली एक स्मृति हमारे जीवन में देकर जाती है। इन द साय ऑफ पिटी द सॉब ऑफ हेट एंड द प्राइड ऑफ अ सोल दैट हैज कॉन्क्वर्ड फेट। और फिर जब हम कभी निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं और हम साय छोड़ते हैं, हम दुख एक्सप्रेस करते हैं या फिर कभी कभी हम रो लेते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में हम घृणा से रो लेते हैं, हमारे जीवन में जब कुछ बुरा होता है
तो उस सॉब ऑफ हेट में भी एक मेमोरी क्रिएट होती है एंड द प्राइड ऑफ अ सोल दैट हैज कॉन्कर्ड फेट। और जब हम कुछ कॉन्कर करते हैं, जब हम कुछ जीत जाते हैं, तो उस समय हमारी आत्मा जो महसूस करती है वो भी हमारे जीवन में एक स्मृति, एक याद छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई। यदि आपके कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका आंसर करूँ। चलिए मिलते हैं अगली कविता में।